नई मैकलरिन 720 स्पाइडर कन्वर्टेबल ऑफिशियली रिवील की गई है। रूफ मैकेनिज्म की वजह से कार अपनी कूपे की तुलना में 49 किलो भारी है, लेकिन 1332 किलोग्राम पर करंट लाइटर कन्वर्टेबल फरारी 488 स्पाइडर की तुलना में ये लगभग 88 किलोग्राम हल्की है। इसकी डिजाइन अंदर और बाहर समान है और इंजन और ट्रांसमिशन को ये बरकरार रखती है। ये उसी 720 HP 4.0 लीटर टर्बोचार्ज किए गए V8 इंजन द्वारा संचालित है, जिसे हम कूपे में देखते हैं। अतिरिक्त वजन के बावजूद ये 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सिर्फ 2.9 सेकंड में पहुंचती है। रूफ को ऊपर करने के बाद कार की टॉप स्पीड 341 किलोमीटर प्रति घंटे की है और रूफ नीचे करने के बाद इसकी टॉप स्पीड 325 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें। ऑटो अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके हमें बताएं।